अच्छा बेटा मैं ये कह सकता हूं कि पेट्रोलियम इज यूज़लेस मिक्सचर पेट्रोलियम इज यूज़लेस मिक्सचर है बट इट्स फ्रैक्शन इट फ्रैक्शन आर वेरी यूजफुल देखिए आप इस पेट्रोलियम को जो कि मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का पेट्रोल का कैरोसिन ऑयल डीजल ऑयल इस पेट्रोलियम को आप किसी भी इंजन में यूज करेंगे तो वो इंजन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप के इंजन होते हैं डीजल इंजन पेट्रोल इंजन ठीक है और कैरोसिन इंजन अलहदा जो कैरोसिन ऑयल यूज करता है तो पेट्रोलियम तो इन सब चीजों का मिक्सर है तो पेट्रोलियम इज अजलेस मिक्सर बट इट फ्रैक्शन आर वेरी यूजफुल याद रखिएगा कि पेट्रोलियम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ है इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये भी आपसे मैं पूछूंगा कि पेट्रोलियम जो है आप इसको दोबारा बार बार जनरेट कर सकती है पेट्रोलियम को या नहीं ये भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन पेट्रोलियम के अंदर आपको क्या मिलता है पेट्रोल पेट्रोलियम के अंदर आपको डीजल ऑयल मिलेगा इन पेट्रोलियम

टमैन एक मटेरियल है जिसको आप हीट करते हैं विद ग्रेवल्स एंड सैंड्स और इससे फिर आप रोड की कोटिंग करते हैं आप इन शॉर्ट ये याद रखें इसको रोड बनाने में यूज होता है रोड बनाने में ये जो रोड होती है ना इसके ऊपर आप बिटुमन की कोटिंग करते हैं इस बिटुमन के अंदर आप ग्रेवल्स एंड सैंड और उसको हीट करते हैं ठीक है तो बिटोमेन इज यूज इन रोड कोटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल का नाम सुना हुआ है इसका क्या मकस फंक्शन है लुब्रिकेटिंग ये यूज होता है फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ मशीन एंड इंजन आपको पता है ना जो स्पेयर uh, पार्ट होते हैं उनको फ्रिक्शन को कम करने के लिए यू यूज द लुब्रिकेटिंग ऑयल ताकि जो जॉइंट uh, है वहां पर फ्रिक्शन ना हो तो ये लुब्रिकेशन करती है मशीन्स में एंड इंजन में केरोसिन ऑयल कहा यूज होता है जी केरोसिन ऑयल इट्स अ फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट ये फ्यूल है एयरक्राफ्ट का ठीक है इसी तरीके से जो डीजल ऑयल है डीजल ऑयल बेटा कहाँ यूज होगा इफा कैन यू टेल मी दूस ऑफ डीजल ऑयल खास ये इट्स अ फ्यूल फॉर लॉरीज कार्स एंड शिप्स कि जो हैवी इंजन uh, होते हैं मोस्टली उनमें यूज होता है और पेट्रोल जो है पेट्रोल जो है ये तो ये भी एक फ्यूल है लाइटर फ्यूल है पेट्रोल इज अ लाइटर फ्यूल डीजल ऑयल इज अवी फ्यूल लाइटर फ्यूल मीन लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट ठीक है तो पेट्रोल इज अ लाइटर फ्यूल इन कार्स अच्छा अब अगर मैं आपसे एक दफा पूछ लूं कि ये पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ फर्स्ट टाइम पेट्रोलियम कैसे बना है आपको पता है पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ कोई है कोई आइडिया है ओके लेकिन किस चीज से बना पेट्रोलियम बना किससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोलियम इज फॉर्म आफ्टर मिलियन ऑफ इयर्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोस्कोपिकॉडीज फेल टू दॉटम ऑफ दी हुआ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना उनकी जब डेथ हुई तो उनकी बॉडीज सी में बॉटम में जाकर सिंक होगी सिंक टू दॉटम ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी डेथ हुई एंड आफ्टर देअर डेथ देअर बॉडीज फेल टू दॉटम ऑफ दी फिर ओवर द इयर्स मतलब कई मिलियन इयर्स गुजर गए फिर क्या हुआ कि उनकी बॉडीज के ऊपर जब एक खास प्रेशर पड़ा ना एक खास प्रेशर उनकी बॉडीज के ऊपर अप्लाई हुआ और ये नेचर से हुआ ठीक है हमने कोई अप्लाई नहीं किया नेचुरली उनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ और उनकी बॉडीज के अंदर से कुछ फ्लूइड्स एंड जूसेस रिलीज हुए और वो फ्लूइड्स एंड जूसेस कन्वर्ट हुए इनटू द ऑयल आफ्टर मिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स के बाद वो जो थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए तो ये ये छोटा सा आपको background पता होना चाहिए कि कैसे हुआ. ठीक है. इसको लिखवा दू, इफा, लिखवा बात. गुड okay, तो देखिए आपने क्या लिखा है फिर सुन लें हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म आपने ये लिखना था कि पेट्रोलियम इज फॉर्म from the microscopic organism after their death their bodies fell to the bottom of the sea and after million years after million and million years uh, their juices and fluids which is released from their bodies converted into petroleum petroleum may convert

By फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा ये नाम सुना मैं आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यस ये असल में ये टॉपिक है ये separating में इसलिए सिर्फ ये नाम आपको पता होना चाहिए कि और मैं लिख लिख भी देता हूँ दिस फ्रैक्शन इनको मैं फ्रैक्शन कह रहा हूं पेट्रोल डीजल केरोसिन और ये सब हाइड्रोकार्बन है बेटा याद रहे कि दिस फ्रैक्शंस आर हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन मतलब हाइड्रोकार्बन आर सेपरेटेड बाई दी फ्रैक्शनल डिस्टुलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टुलेशन में आपने अगर सेपरेटिंग टेक्निक पढ़ा हो तो वहां पढ़ा होगा कि दीज फ्रैक्शन आर सेपरेटेड बाई दी डिफरेंस इन देयर बॉलिंग पॉइंट जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आपको ऊपर वाले फ्रैक्शन में मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आपको नीचे वाले फ्रैक्शन में मिलेगा तो डिफरेंस देखिए इन सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है ना पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट डीजल का कैरोसिन का लुब्रिकेटिंग बिटुमेन इन सबके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है तो इसलिए ये आपको डिफरेंट फ्रैक्शन में मिलती है ये तो थोड़ी सी आपको बेटा हिस्ट्री मैंने बतानी थी पेट्रोलियम की पेट्रोलियम क्या होता है हमने स्टार्ट करना है हाइड्रोकार्बन से व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन So, mi a <clears throat> mixture of hydrogen carbon atoms yes hydrocarbons are the compounds made up of carbon and hydrogen atom shabash hydrocarbons compounds made up of carbon and Hydrogen atoms only. And there are three types of hydrocarbon. Can you tell me the name? If I Is it alkane, alkenes? And I don't and know what I'm Alkane. नहीं है तो alkane and alkyne. ने ने बेटा, मुझे याद पड़ रहा हमने के किया था के क्या होते है और अल्के बारे में मैंने आपको बताया था हाइड्रो क्या हैं? एलकेटेड हाइड्रोकार्बन है ठीक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट ये जो मैंने लिखा है ना कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट ये सेचुरेटेड का मतलब है हाइड्रोकार्बन का मतलब हो, होगा

Cn, H2n plus 2. So, का जो जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू अच्छा इसके अंदर देखिएगा नंबर बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम और ये जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है One, two, three. लेकिन होल नंबर होगा अच्छा अब बेटा आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एल्केन्स के फॉर्मूलाज बना सकते हैं ये जो जनरल फॉर्मूला है ना इसको यूज करो और एल्केन्स के डिफरेंट फॉर्मूला बनाओ फॉर एग्जांपल इफ एन इज इक्वल टू वन अब इस एन की जगह ना बेटा वन रखो इस एन की जगह भी वन रखो तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा सी सी एच यस yes. एन की जगह वन रखा तो टू वन टू और प्लस टू एड कर दिया सी एच फोर तो वन लिखने की जरूरत नहीं है तो आप इसको कहेंगे सी एच फोर एक कार्बन है ना एक कार्बन एक कार्बन एक को केमिस्ट्री में बोलते हैं मेथ और ये इसका फैमिली नेम है बेटा जिस तरह हम लोगों के फैमिली नेम होते हैं ना जो हम हर नाम के शुरू में लगाते हैं ठीक है जो फैमिली नेम चल रहे होते हैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ए एन ई है जो सफिक्स है इसको क्या बोलते हैं सफिक्स ये नाम सुना है बेटा कभी yes. तो -E, तो यस मीथेन. मीथेन पाकिस्तान में भी मीथेन गैस यूज होती है किसके लिए जो सुई गैस है जो कुकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं हम ठीक है खाना पकाने के लिए तो मीथेन गैस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा ये गैस भी आपको पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है जो पेट्रोलियम मैंने आपको बताया था ना बेटा पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम की ना डीकम्पोजिशन भी हो रही होती है तो जब पेट्रोलियम डीकम्पोज हो रहा होता है तो इसके ऊपर गैस की एक लेयर होती है तो ये जो मिथेन गैस है ये आपको पेट्रोलियम के ऊपर से मिलती है अच्छा ये तो हो गया मिथेन अगर हम एन को टू ये तो एन वन था ना इफ एन इज इक्वल टू टू इफ n इज इक्वल टू टू तो इफा जरा फॉर्मूला बनाइएगा इसका अगर एन टू होगा n की जगह टू लगाती जाए सी थ्री सिक्स यस इसका बेटा नाम ये होगा दो कार्बन है ना दो कार्बन को बोलते हैं एथ ई e टी और इसमें फैमिली नेम अगेन आपने ए एन ई इसके आखिर में लगाना है तो इथेन एन पता क्या बता रहा है बेटा आपको एन ये बताता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एन आपको ये बता रहा है कि देर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एन मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन है ये एन बता रहे अच्छा इसी तरीके से इफ एन इज इक्वल टू थ्री तो आप फॉर्मूला बताएं बेटा इफ एन इज इक्वल टू थ्री होगा तो क्या बनेगा सी थ्री एच एट सी थ्री एच एट तो इस अब इसमें देखिए तीन कार्बन आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे प्रॉप तीन कार्बन को बोलते हैं प्रॉप

मूमन सिलेबस में सिक्स तक होते हैं ठीक है लेकिन आप टेन तक ले जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको फायदा ही होगा इसका नुकसान नहीं है ठीक है तो इफ एन इज इक्वल टू फोर ये बेटा बताना जी सी फोर एच हाँ सी फोर एच टेन अब देखिए एक आप फॉर्मूला अगर बार बार ना भी यूज करें ना अगर आप इसे तंग हो रहे हैं तो आपको एक और तरीका बताता हूँ जितने कार्बन होंगे ना जितने कार्बन होंगे आप हाइड्रोजन को उसका डबल कर दें जितने कार्बन होंगे ना आपने हाइड्रोजन क्या कर देने उसका डबल करने तो फोर का डबल क्या होगा एट और प्लस टू उसमें ऐड कर दें बस ये जबानी करते रहे जितने कार्बन हैं फोर हैं तो उसका डबल करें एट और उसमें प्लस टू कर दें तो हाइड्रोजन बन जाएंगे तो ये आपके पास बेटा क्या बनता है ये बनेगा ब्यूट चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और एन इज दी नेम तो ये ब्यूटेन होगी अब जुबानी करते हैं जी फॉर्मूला यूज के बगैर इफ एन इज इक्वल टू फाइव अब देखिए मैं कैसे सोचूंगा कि फाइव कार्बन हैं तो हाइड्रोजन इसका डबल करो फाइव टू जै टेन देन ऐड टू टेन में दो और ऐड कर दो ट्वेल्व तो सी फाइव एच ट्वेल्व और ये बन जाएगा पांच कार्बन को हम बोलते हैं पेंट पेंट और आगे आएगा जी एन

एन इज इक्वल टू सेवन सात कार्बन सेवन सॉरी टू एड कर दिया इसके लिए भी नाम याद रखिएगा सेवन कार्बन होते हैं ना सात कार्बन को बोलते हैं एन इज दी नेम If, बस एट तक कर लेते हैं बेटा If एन इज इक्वल टू एट फॉर्मूला बोलिएगा क्योंकि eight 16 हो गया. अच्छा इसका नाम पता है क्या ये आपने क्या पता है पहले भी सुना हो ऑक्टेन ऑक्टेन का नाम सुना है बेटा पे yeah. यूज होता है ये, ये वर्ड ये we जब आप मेरा तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा यूज होता है हा, हाई पेट्रोल. पेट्रोल का ये है जो पेट्रोल आप गाड़ी में फिल करवाते हैं ना एज अ फ्यूल तो उसका जो फॉर्मूला है वो ऑक्टेन है पेट्रोल ये होता है सी एट एच एटीन ये आप अपनी गाड़ी में आ, ये वाला फ्यूल बेटा फिल करवाते हैं सी एट एच एटीन इसका नाम है

ये जी मीथेन इथेन ये आपने बेटा याद करने है ना प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन, बस पांच तक लिखते हैं है सी एच फोर यह है सी टू एच सिक्स सी थ्री एच एट सी फोर एच टेन सी फाइव एच ट्वेल्व अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एग्जामिनर आपको ये कहे ना कि डिफाइन दर्म होमो लोगस सीरीज इसको डिफाइन करना चाहिए तो होमोलोग सीरीज यही है बेटा दिस इज होमोलोग सीरीज क्या होती है अभी बताता हूं ये जो आपके एक फैमिली नजर आ रही है ना एल्केन की जिसके मेंबर्स हैं मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये एक होमोलोगे सीरीज है तो होमोलोग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जरा सुनते जाइएगा मुझे ये बताएं इफा, ये जितने भी मेंबर्स आपके सामने मैंने लिखे हैं मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन क्या है ये सब के सब मेंबर्स इनका जनरल फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है ये बता दे फॉर्मूला क्या है जरा बताएं ये किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे सेम सेम सी एन एच टू एन प्लस या मैं लिखता हूं इन होमोलोगस इन सीरीज़ ऑल मेंबर्स ऑल मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला पहली बात ठीक हो गई दूसरी बात मैडम मुझे बताइएगा कि जो सी एच फोर है और ये जो सी एच सी सी एच फोर एंड सी टू एच सिक्स जिसने मैथ्स में आप देखते हैं ना इसको आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताना है कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन सी एच फोर एंड सी टू एच सिक्स मतलब दोनों में कार्बंस का कितना डिफरेंस आ रहा है c2h6 में एक कार्बन ज्यादा है देयर इज वन मोर कार्बन इन c2h6 राइट right? और हाइड्रोजनस का yeah. डिफरेंस कितना आ रहा है हाइड्रोजनस का कितना डिफरेंस आ रहा है ठीक टू ch2 का आ रहा है ना क्या क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बिटवीन द मीथेन एंड इथेन डिफरेंस जो है वो ch2 का है यस yes. इसी तरीके से के बताइएगा c2h6 और c3h8 इन दो फॉर्मूलाज में जो कि कंजेक्टिव एक दूसरे के बाद आ रहे हैं इन दोनों में कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है सी एच टू सी एच टू का आ रहा है अब इसी तरीके से सी थ्री एच एट और सी फोर एच टेन इनमें कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है सी एच टू सी एच टू सी फोर एच टेन एंड सी फाइव एच ट्वेल्व इतने इसमें कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है सी एच टू ओके okay, तो अब हम एक और पॉइंट यहां लिखते हैं कि इन सीरीज़ टू होमोलोगेटिव मेंबर्स कंजेकेटिव मेंबर का मतलब पता है कंजेक्टिव का मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है टू कंजेकेटिव मेंबर्स डिफर बाय वन सी ग्रुप तो इन टू कंजेक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय सी एच टू ग्रुप ये दूसरा पॉइंट हो गया तीसरी प्रॉपर्टी जो होमोलोग के पास एक और प्रॉपर्टी भी हो चुकी है वो ये कि इफा, आप ये देख के बताएं कि में सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या किसी में डबल बॉन्ड भी आ रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एम ए इट मींस इट मींस इफ देर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डर केमिकल प्रॉपर्टीज वुड बी सेम लिखता हूं कि इन होमोलोग सीरीज इन होमोलोग ऑल मेंबर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज मीन वो एक जैसा रिएक्शन देते हैं अगर आप मिथेन को बर्न करें ना बेटा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा carbon dioxide water बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसी से, इसी तरीके तरीके से से अगर आप इथेन को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा आप सी थ्री एच एट को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा मतलब ये केमिकल रिएक्शन एक जैसे देंगे ठीक है क्योंकि इन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है चौथी प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये जो फर्स्ट फोर मेंबर्स है ना बेटा ये फर्स्ट फोर मेंबर्स आर गैसेस जो इसमें फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं वो आपके गैसेस हैं ये बात पता है आपको और ये जो पेंटेन है ना पेंटेन ये आपके पास बेटा आप क्या आ रहा है पेंटेन इज ए लिक्विड पेंटेन लिक्विड है तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या सबके सेम है फर्स्ट फोर टेम्परेचर इट कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का फर्क है आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं जैसे जैसे ना बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आप मुझे बता सकती है इन सी एच फोर

इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ये होती है देखिए ये एक मॉलिक्यूल है ना आपके पास ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्स होती है जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रखती है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और ये इंटर मोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी एज नंबर ऑफ एटम विल इंक्रीज तो इसलिए बेटा इसमें आप फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे अब क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो आई एम एफ स्ट्रॉगर होती जाएंगी. Point, point जाएंगे तो इसमें देर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज अ ग्रेजुअल चेंज एज वी गो डाउन दीरीज तो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन मेल्टिंग पॉइंट िटी विटी भी मतलब से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी विस्कॉसिटी मीन थिकनेस एंड वॉलेटिलिटी के कितने आसानी से वेपर्स में जा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो A gradual change चेंज we go गो डाउन series. ठीक है जी ये आपको मैंने करा दिया होमोलोग सीरीज की के होमोलोग सीरीज का आ, जो क्वेश्चन है बेटा ये लाजमी आता है आपके एग्जाम में आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन देखा है बेटा कि वो एग्जामिनर पूछ रहा हो कि डिफाइन दी होमोलोगस सीरीज या राइट डाउन दी कैरेक्टेरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज या जी बेटा यस yes, तो ये आपने चारों चारों पॉइंट्स याद रखने ठीक है, है अब आ जाएं आगे आगे चलते हैं अब हमने ना हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया ना तो हाइड्रोकार्बन में अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया एल्केन की

तो एल्कीन के लिए वर्ड यूज करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसे हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है जी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट्स जनरल फॉर्मूला इज सी एन एच टू एन एन यहां पर बेटा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है अगेन लेकिन यहां प्लस टू नहीं याद है याद रखिएगा नो प्लस टू प्लस टू यहां नहीं है देखे मैं यहां पर फिर टेबल बनाता हूं अल्केन अल्कीन कहा था इक्वल टू वन ये बनेगा जी आपके पास सी एच फोर मीथेन इफ एन इज इक्वल टू टू तो सी टू एच सिक्स दिस वुड बी इथेन एन इज इक्वल टू थ्री सी थ्री एच एट ये प्रोपेन एन इज इक्वल टू फोर सी फोर एच टेन बी एल्कीन में बेटा ये मुझे बताएं पहले मुझे ये बात जरा क्लियर करें कि एल्कीन जो है ना उसके मुझे स्मॉलेस्ट मेंबर का नाम बताएं स्मॉलेस्ट मेंबर मीन जिसमें कम से कम कार्बन आ सकते हैं एल्कीन के स्मॉलेस्ट मेंबर का क्या नाम है मीथेन यस मीथेन मीथेन नहीं नहीं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्कीन राइट तो एल्केन के जो स्मॉलेस्ट मेंबर है ना एल्केन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है उसका नाम है मीथेन उसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह का होगा देखो मैं यहां पर बना देता हूँ सी टू एच सिक्स का देखना जरा दो दो कार्बन हैं बेटा ये दो कार्बन है देर आर टू कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो ये होगा देखो और चार चार बॉन्ड्स पूरे करने आपने बेटा

लेकिन जो टर्मिनल वाला कार्बन आ रहा है ना जो आखिर में आ रहा है जो टर्मिनल पर कार्बन है आखिर में वो तो एक बॉन्ड बना रहे हैं ना तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगाए ताकि चार बॉन्ड पूरे हो जाए ये भी जो बेटा जो टर्मिनल पर आ रहा है ना आखिर में कॉर्नर में इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन लगेंगे तब इसके चार बॉन्ड पूरे होंगे लेकिन जो मिडल वाले कार्बन है वो दो बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रहे हैं राइट एंड लेफ्ट तो इनके साथ दो दो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे ये तो अल्केन है अब मेरा क्वेश्चन आपने गौर से सुनना है अल्कीन जो है जिसने आपने कहा ना कि इस, इस ए, मेंबर ऑफ मीथेन मेरा क्वेश्चन ये ये है कि मेंबर ऑफ क्या होगा भाई मीथीन. मीथीन? मीथीन. अच्छा चलिए एक मिनट के लिए हम कर लेते हैं जो कि ऐसा नहीं है लेकिन आपने आंसर दिया टेक्निकली बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल गलत होगा लेकिन हम इसको देखते हैं अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा एन वन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे स्ट्रक्चर इसके चार पूरे हो रहे हैं और या नहीं हो रहे बोलिएगा no. इसका मतलब ये हुआ कि अल्किन एक कार्बन वाला नहीं होता मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए तो एक कार्बन वाला नहीं है जी। लेकिन यहां से स्टार्ट होगा दो कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा देखिएगा इफ इज इक्वल टू टू तो आप एन की जगह टू रखें बेटा तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोले C2H4. अभी दो कार्बन है दो कार्बन को बोलते हैं एथ और फैमिली नेम इन. अब ये कैसे बनेगा ये देखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्योंकि दो आप एल्कीन पढ़ रहे हैं में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा अब बताएं कि हर कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है ना तो मैं हाइड्रोजन कितने -कितने कार्बन के साथ शाबाश। ये सी टू एच फोर है एक और एग्जाम्पल देखते हैं इफ थ्री फॉर्मूला क्या बनेगा जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन आपने उसका बस डबल करना है प्लस टू नहीं करना तो सी थ्री एच सिक्स हो गया और इसमें तीन कार्बन है तो प्रॉप फैमिली नेम इन लगाएंगे इन अब मैं आपको बताता हूं इसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि अब डबल बॉन्ड क्या सब कार्बन में होगा वो सुन लें प्रोपीन में क्या होगा बेटा प्रोटीन प्रोपीन आर थ्री कार्बन ना तो वन टू एंड थ्री

असल में तो फोर बॉन्ड्स पूरे करने हैं ना कार्बन के तो सेकंड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे वन वन ये गलत होगा अगर मैं ऐसे ड्रा कर देता या क्यों फाइव बॉन्ड्स शाबाश और इसी तरीके से जो थर्ड कार्बन उसके साथ एक इसको बोलेंगे प्रोपीन देखें ना इसमें देखें तीन कार्बन आ रहे हैं प्रोप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन प्रोपीन चेक कीजिएगा इफ एन इज इक्वल टू फोर फॉर्मूला बताइएगा सिर्फ डबल करना है सी फोर एच एट इसका नाम बनेगा ब्यूट चार कार्बन इन इज दी नेम इसका जो फॉर्मूला होगा स्ट्रक्चर देखिएगा जरा ब्यूटीन का देर आर फोर कार्बन ना तो वन टू थ्री एंड फोर आपकी मर्जी है जहां मर्जी डबल बॉन्ड ड्रॉ करें दरमियान में लगा टर्मिनल पर लगा लेकिन एक दफा लगाना परे होंगे ना लेकिन जो मिडल में आ रहे हैं बेटा देखिए ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं एक दो तीन ये तीन बॉन्ड पहले से बना रहे हैं इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन तो लगेगा इसी तरीके से बेटा जो यहाँ पर है ना वन टू थ्री तो ये भी तीन बॉन्ड बना रहा है बस इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा और ये आपके पास ऐसे आ जाएगा जी दिस इज इस ब्यूटीन इसका वजह एग्जैक्ट नाम टू ब्यूटीन या ब्यू इन, लेकिन अभी फिलहाल हम नेमिंग नहीं सीख रहे अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं एक और बेटा ड्रॉ कर लेते हैं पेंटीन आप बैठे इसकी एक स्नैपशॉट ले लें अगर आपने लेनी हुई तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा चले इसको ना पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगा अच्छा आगे N 5, अगर बेटा पांच कार्बन बना तो फॉर्मूला क्या बनेगा C5H10. इसका नाम क्या होगा um, for... Pente... Pentean. Pentean. ऐसे ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर आपकी मर्जी है कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो यहां ड्रॉ कर देते हैं बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दूटा जी अब आपने क्या करना है मैं आपके काम दे देकर जाता हूं आपने ये करना होगा के... यहां आ जाएगा नेम यहां आ जाएगा फॉर्मूला यहां आ जाएगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चलिए आपको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका डिफरेंस क्योंकि मैंने भी आपको इसका डिफरेंस नहीं बताया कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है डिस्लेट फार्मूला क्या होता है स्केलेटल फार्मूला क्या होता है मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है ठीक है लेकिन आप इस टेबल बनाया मैंने इस तरह का बेटा का आप सिर्फ चले इनकी नेमिंग याद कर लें फिलहाल नेमिंग ठीक है और होमोलोग का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होता है एल्केन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एल्केन क्या है एल्कीन की डेफिनेशन एल्कीन uh की डेफिनेशन कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला इन तमाम एलिमेंट्स के ना स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर और डिस्प्लेट फार्मूला ड्रॉ करना पाऊंगा ठीक है ठीक है बेटा, okay. ठीक है बेटा? इफा, लाफेश। लाफेश।